पहले अगर आर्मर चाहिए ना तो जाके 64 एमरल्ड्स दो मेरे को और तभी मिलेगा आर्मर, ठीक है ना। के यार उसके पास चलते हैं, वो पक्का मेरी हेल्प करेगा क्योंकि यार वो सर्वर का राजा है भाई। यार के देख कुछ भी कह ले, मेरे को नहीं लगता वंश ने ठीक किया। एक मिनट, कोई हमारी बात सुन रहा है आई थिंक सो, कि मुझे वहाँ पे नेम टैग दिखा अचानक से, बाहर जाके देख के आते रुको। वेट एक कुणाल, कहाँ भाग रहे हैं? अरे यार तुम लोग मुझे 64 एमरल्ड्स लोन के लिए दे सकते हो? हाँ मैं दे सकता हूँ, दे तो हम सकते हैं, मगर पहले क्लियर कर दें, फिलहाल वंश तुम्हें कोई ज्यादा रिश्ता नहीं रखना है, बिकॉज उसने एसएमपी में कुछ चीजें ऐसी की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं चलता हूँ। कुणाल, अरे तुम कैसे आए? तू मैं अभी अभी ज्वाइन हुआ, बट तू तेरे को तो मैंने मार दिया था ना, तू मर गया था, तेरे पास ये आर्मर कहाँ से आया? भाई वो सीक्रेट है ठीक है, जो मेहनत से मैं लेके आया हूँ ना। सच बता, तूने भी वंश से ट्रेड किया ना? तेरे को कैसे पता? मेरा भी दोस्त है वो। कुणाल सुनो यार, वैसे बहुत टाइम हो गया, डीआर कैसे मिले नहीं है, मिलना है क्या उसके कासल में एक बार? भाई चलते हैं यार, एक तो उसको मेरे को ना यार एक लोन लिया था मैंने 64 एमरल्ड्स का, लेकिन मेरे पास एमरल्ड्स नहीं यार, क्या करूं? वही चल एक बार चलते हैं। ओके ये डीआर के, हेलो वेट, तू यहाँ कैसे आना हुआ तो, और इसका इसका कैसे आया हुआ, कहाँ कहाँ भाई कहाँ, रुकिए। अरे अरे लास्ट टाइम मुझे मार रहा भाई, बचाओ। अरे 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 फाइट मत करो यार, अरे डीआर के रुक जा यार, उस पे अपना एमरल्ड का लोन बाकी है अभी। कैसे आना हुआ है? रुक जा ओसिरिस भाई, कोने में बैठ थोड़ा आराम से। ओसिरिस भाई कौन? ओसिरिस कौन है? अरे ये इसका बेस्ट फ्रेंड है, देखो डीआर के का करना क्या चाहिए। ये जो वंश है ना, ये ना इलीगल सामान की ट्रेड कर रहा है हमें एसएमपी में, जैसे कि प्रिजन एसएमपी में हुआ था लास्ट टाइम, और मुझे ये नहीं पता क्योंकि लास्ट टाइम जो ट्रेडर था उसको तो मार दिया था, बट अब इस वाली एसएमपी में किससे वो क्या कौन सा ट्रेड ले रहा है मुझे नहीं पता। तो मुझे लगता है कि हमें इस पे थोड़े ठोस कदम उठाने पड़ेंगे क्योंकि ये सारी चीजें टॉलरेट नहीं कर सकते। अरे 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 तुम लोगों को एक बात बतानी है। कौन है ये भाई? पता नहीं। अरे अरे ए पीछे, मेरे को नहीं पहचाना। ओ सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा ये तो ये वो है ना? हां याद आ गया, ये कौन है वाला? संदेश भेजा था इसके रॉयल फैमिली सोल्जर, सोल्जर मीठी बातें बोलकर। अच्छा ओके, संदेश का रिप्लाई लाया? यस, आपने जो काम बोला था वो पूरा करा। आप लोग बैठ जाओ, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। दरअसल देख सीन ऐसा है कि हमारी इस एसएमपी को गवर्न करने के लिए जो शाही परिवार है जिससे पूरी फंडिंग वगैरह चलती है, वो एक रॉयल फैमिली और रॉयल कोर्ट है, और वंश की इन हरकतों के बारे में हमने उन्हें इन्फॉर्म किया था, तो ये जो प्रिंस है रॉयल फैमिली के उनकी तरफ से उनका रिस्पॉन्स लेके आया है जो मैं पढ़ के सुनाऊंगा। दिखाओ भाई। आपको ये बताया जाता है कि आपकी एसएमपी के एक मेंबर के खिलाफ कुछ आरोप हमारे सामने आए हैं, और इसी कारण से रॉयल कोर्ट आपको, आपके जनरल को और सभी एसएमपी मेंबर्स को एक साथ तुरंत यहां हाजिर होने का आदेश देता है। अरे कुणाल तुम भी पढ़ो। ये लो पढ़ लिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास रॉयल रेलवे की सुविधा उपलब्ध है, तो चलो रॉयल रेलवे से आज रॉयल कोर्ट चलेंगे। ओह माय गॉड, ये क्या भाई? डीआरके तो आया था तब, ऐसा था क्या? ये तो छोटा सा था, ये तो बहुत बड़ा हो चुका है अब भाई, ये तो पूरा एम्पायर खड़ा हो चुका है यहाँ पर। ये साइन देखो। ओसिरिस भाई सीखना चाहिए यार, कम से कम घोड़ा मेरे लिए भी पाल के रखा करो मेरे। अच्छा तो जाए क्या हम लोग अभी अंदर? ओसिरिस भाई तो चलते हैं यार, मैं हूँ ना, चलो। अरे रुको मेरे को आने तो दो। एक सेकंड, ये कौन आया? अरे के महाराज। अच्छा गाइस ये तो योग है के आप आ गए हो मीटिंग के लिए। हाँ मैंने तुम लोगों को बुलाया था मीटिंग के लिए। एक सीन यार, मेरे को मतलब तुम लोगों को, मतलब मेरे को तुम लोगों से एक बात पूछनी थी, मतलब इसके अंदर ये जो एसएमपी है हमारी, इसके अंदर मतलब मैंने ये सुना है कि इलीगल वेपन्स यूज हो रहे हैं, वो भी हमारे रहते। जी कौन से इलीगल वेपन? मैं तो कुणाल, तू कोई जानते कोई इलीगल वेपन यहाँ पे बने हो? नहीं, और पता नहीं, हम तो नहीं जानते। देखो कोई जानता नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ कि जो कोई भी है ना उसके ऐसी तैसे हम लोग कर देंगे, ठीक है, सीधी सी बात है। और उसको मेरा गुल्ला चैलेंज है कि मैं उसको ना खत्म करके रख दूंगा बिल्कुल। डीआर के मेरे साथ है, मेरे को काफी सालों पहले से जानता है। इसके बारे में ना ओसिरिस भाई बताएंगे पूरी बात। ओसिरिस ठीक है। आज से दरअसल कुछ दिनों पहले हमारी एसएमपी में एक बंदा है वंश,
उसने एक इनलीगल इंचेंटमेंट, हाँ वंश, उसने एक इनलीगल इंचेंटमेंट वाले हथियार से हम पे हमला किया था। छानबीन करने पे हमें यह पता चला है कि उसका है किसी एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ लेना देना है और वो हमारी एसएमपी में इलीगल हथियार सप्लाई कर रहा है। सबूत के तौर पे हम आपको उसका इस्तेमाल किया हुआ इलीगल हथियार जो हमने मार के छीन लिया था वो दिखाने की अनुमति चाहते हैं। जी बिल्कुल दिखाइए, प्रैक्टिकल करते आओ, यहाँ पे आओ, ये सोल्जर को लेके जाइए, इस पर्सन को यहाँ पे खड़ा करो, एक सोल्जर प्रैक्टिकल के लिए जाए। ओके चलो युग के ऊपर युग, ठीक। अरे एक मिनट, ये क्या सीन था? ओ भाई साहब, ये कैसे टाइप का हथियार है भाई? तूने उसे ट्रेड किया ये सब और तू बोल रहा है कि वंश अच्छा नहीं है? तू खुद ट्रेड करके आया तू उससे? ट्रेड नहीं करके आया, मार के लेके आया था उससे। हां यार डीआर के, ये क्या बात हुई? जब वो मरा था जब लेके आया हूं मैं उससे। ओ तूने मार के लिया उससे? हाँ, उसको मारा, इतने में वो मर गया था ना, उससे सामान जब मैंने ये सारी चीजें ली, इतने में वो वापिस आके अपना सामान चुरा के भाग गया। और तू उसको अब खुद यूज कर रहा है? नहीं मैंने रख रखा है ताकि किसी कोई भी यूज ना कर सके। अच्छा तो थकबॉय मैक्स, देखो यार ये बात तो बहुत खराब है, क्योंकि देखो इलीगल वेपन्स जैसा कि आपने कहा नहीं चलनी चाहिए एसएमपी में, इससे एसएमपी मेरा वापस पीस नहीं रहेगा। तो मैं भी इस बात को एग्री करता हूँ कि ये बात जो मतलब ये जो इलीगल वेपन्स है ये खत्म हो जाने चाहिए। और मेरे को तुम सब लोगों का साथ चाहिए इस चीज को खत्म करने के लिए, क्योंकि अच्छी बात तो नहीं है यार ये बिल्कुल भी। सभी लोग बैठ जाएं पहले, फिर बैठ के डिस्कस करते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। अरे अरे थकबॉय मैक्स, मैं क्या कहता हूँ, वंश ना मेरी बाजू के ही घर में रहता है, तो मैं उसे पीट कर आऊं? वो वहाँ पे है ही नहीं, अब नहीं रहता वो वहाँ पे, अब वो एसएमपी छोड़ के भाग चुका है योग। अभी तक तो शायद हमें उसे देखते ही मार देने का आदेश अब जारी कर देना चाहिए महाराज, आपको क्या लगता है? डीआर के तुम ही बताओ। मेरे को भी ये लगता है। थकबॉय सुनो, आप सीढ़ी पे बैठे हो, सिंहासन पे बैठो, सीढ़ी पे मत बैठो, सिंहासन पे बैठो। अरे सुनो तुम लोग, तुम्हारे से वंश के बारे में मैं ये कह रहा था कि अरे अरे सुनो थक भाई, मेरे को क्या हुआ, मेरे को और कुणाल को एक इम्पोर्टेंट काम से जाना पड़ेगा अभी, तो जा सकते हैं डीआर के? अरे हाँ कोई बात नहीं, चले जाओ यार, आ जाना थोड़ी देर में। ठीक है कोई बात नहीं, थैंक यू, हम चलते हैं। ओके। अरे कुणाल रुक, सबसे पहले मैं ज़ॉम्बी को मार देता हूँ। यार कुणाल तेरे को नहीं लग रहा कि अभी कुछ खतरनाक सीन होने वाला है? भाई वो यार वंश एकदम भाई छोटा सा बच्चा है भाई, सब लोग उसी के खिलाफ हो गए यार, सब उसके खिलाफ हो गए। अब ये लोग ना, मेरे को लग रहा है ये दोनों ना मिलके वो लोग बाहर आ रहे, अपने आप छुप जाते हैं, छुप जाते चल चल। अरे वो लोग तो जा रहे हाँ हाँ जा रहे। सुन अभी मेरी बात सुन, देख यार अभी ना वंश तो बहुत बड़ी वाली मुसीबत में पड़ने वाला है, क्योंकि अब थकबॉय मैक्स ने ना ऑर्डर दे दिया, और तू समझ, तू ये पूरा कासल देख के समझ सकता है थकबॉय मैक्स कितना पावरफुल है। भाई वही तो मैं भाई स्टार्टिंग में देखती भाई मैं पागल हो गया भाई। मेरे को और तेरे को पहले यही लगता था ना कि पूरे एसएमपी का पावरफुल बंदा डीआरके ही है, बट आज पता चल गया ना कौन है भाई। डीआरके खुद उसको भाई कितने रिस्पेक्ट दे रहा था। वही यार, मतलब डीआरके किंग डीआरके है, बट फिर भी ऊपर वाली गद्दी पे थकबॉय बैठा था। यार सुन, मेरे को लग रहा है कि अगर ये डीआरके और थकबॉय ने वंश के खिलाफ कोई एक्शन ले लिया ना, तो एसएमपी में इलीगल वेपन्स बंद हो जाएंगे, वंश जेल में जाएगा, और हम दोनों के पास कहीं से भी इलीगल वेपन्स का कोई भी सोर्स बाकी नहीं रहेगा। तो बेटर है, मैं कह रहा हूँ अपने ना कुछ भी करके वंश को इन लोगों से दूर करवाते हैं, वंश को इन्फॉर्म करते हैं पहले इसके बारे में, और वंश को कहते हैं कि वंश देख तू अभी ना तेरे ऊपर बहुत खतरनाक वाला खतरा आने वाला है, तो तू चौकन्ना रहे। और मेरे पास एक और आइडिया है, अगर अपने ना ये थकबॉय मैक्स को कुछ भी करके अपने रास्ते से हटा दे तो सोच, और कासल हमको मिल जाएगा। सिर्फ कासल, उसकी पूरी प्रॉपर्टीज, उसके सारे बिजनेसेस, सोच अगर थकबॉय मैक्स गया तो डीआर के सबके ऊपर हम। बट यार वो इतना इजी थोड़ी ना होगा भाई। अरे देख ना, जल्दबाजी किस बात की है, एक काम करते हो थकबॉय मैक्स के साथ ना अच्छी वाली दोस्ती करेंगे, क्या कहता हूँ? करते हैं चलो, ठीक है। हाँ चल, उससे ना बहुत तगड़ी वाली दोस्ती करेंगे अपन। हाँ। तो अब ये काम करते हैं, चलते हैं वंश के पास और वंश को इन्फॉर्म करते हैं। वंश यहाँ पे इस वाले घर में चेक करते हैं, यहाँ पे तो ब्लास्ट फर्नेस है, यहाँ पे भी नहीं है। वेट, डीआरके का कासल क्या? ओपे तो क्या हुआ? चल चल जल्दी भाई, हमारा शक कहीं बदल ना जाए भाई रियलिटी में। अरे भाई युग भाई ऊपर देख। अरे वंश क्या कर रहा है? अरे तू कहां से आ गए? अरे वंश तू मत कर। अरे भाई क्या? हम तेरे को एक बात बताने आए थे, तू ये सब क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहा है क्या भाई? मैं
छोड़ूंगा नहीं किसी को भाई, बहुत हो गया, तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगा भाई। ए अरे यार, हम भी दोनों तो हैं जो तेरे साथ हैं अभी भाई एसएमपी में। वही यार वंश भाई, डीआर का सेल्फी क्या तुम भी? ओ भाई हाँ बोलो। अरे अरे वंश भाई मेरी बात सुन यार, बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। देख हम तेरे को एक खतरा से सावचेत करने के लिए आए और तू हमको अभी मारेगा तो देखिए बात सही नहीं कहलाएगी। फिर हम चले जाएंगे तो फिर भाई तू देख अकेले रह जाएगा। भाई मैं डीआर से बदला लेना चाहता हूँ भाई। भाई तुम अरे नहीं, आप वंश देख प्लीज प्लीज वंश देख, अरे क्यों तोड़ रहे उसको यू भाई, ये कंट्रैक्शन तोड़े या और तोड़ेगा वरना। आ रुको रुको रहने दो। अरे वंश वंश नहीं देख, बहुत डैमेज है, मर जाएगा तू। ऐसे कैसे मर जाऊंगा वंश? क्या करनी है बात, क्या करनी है बात, पहले बताओ बात, बताओ मारो मत। अच्छा अच्छा करो, एक काम करते हैं अभी पीसफुली ना, इसको सारी बात समझाते हैं। वंश यार देख, तू पहले जो ये सब कर रहा है इससे तेरे पर और केसेस लगने वाले हैं। क्या, किस चीज के केसेस, किस चीज के केसेस? अरे शांत हो भाई, शांत हो भाई, मैं भी मार सकता हूँ तेरे को, ले पता ना। अरे भाई नहीं लगाएंगे भाई वंश, तो यार ऐसे तू मरेगा पता है बहुत बुरी तरीके से, तू इतना अगर पागलों की तरह मारेगा सबको तो। और पता है वंश तेरे को, अभी ना हम ये सर्वर के सबसे ज्यादा रिचेस्ट प्लेयर थग बॉय मैक्स से मिलकर आए। यार तुम दोनों मान नहीं रहे हो ना यार, क्या यार हद है भाई। भाई मान जा वंश यार तू। अरे अरे ये नहीं मानूंगा भाई, कर लो भाई। ओ नहीं भाई, हम लोग मर जाएंगे। ओ शिट वंश, नहीं यार वंश क्यों नहीं मान रहा है यार? मैं क्यों नहीं, किस लिए नहीं बताओ ना भाई यार, इतने सही वंश देख, वंश नहीं ये सही नहीं है, सही नहीं है वंश। ओ भाई यार इतने सही, इतने अच्छे से बोल रहे थे भाई, मान नहीं रहा अभी। अरे यार वंश तू पर समझ नहीं रहा, तू अभी काबू के बाहर जा रहा है गुस्से के चक्कर में, मत कर ऐसा यार। नहीं गलत है यार, देख अब मेरे को तेरे को प्लीज वंश ऐसा मत कर यार। वंश भाई दोस्त यार तू ऐसा मत कर यार, तू तो एनिमी मत बन भाई। क्यों ना बनूं, तुम गलत कर रहे हो तुम भाई, ठीक है उसकी तरफ जा रहे हो ना, क्यों डर रहे उनसे यार? क्या कर रहा है वंश? नाल के बच्चे तेरा बहुत हो रहा है इधर, आप तू गया भाई। देख पहली बात तो यार ये सब क्या है? ओ शिट गेम लैग हो रहा है। मैं ये सब क्या कर रहा है? नहीं नहीं गया ना तू, आना भाई ये सब मत चला, ये सब मत चला भाई, इससे गेम लैग हो जाएगा पूरा। क्यों भाई, क्यों क्यों ना चलाऊं भाई? तुम क्या यार, तू भी और भाई यार। भाई पहली बात तो देख, हम लोग तेरा साथ दे रहे थे, अब तू ऐसा कर रहा है। ओ शिट यहां पे गेम लैग मार रहा है भाई। आना आना गेम तोड़ दूंगा भाई इसको। क्यों तोड़ रहा है? मत तोड़ उसको भाई, बहुत टाइम लग, बहुत हो गया भाई अब, बहुत मना कर रहा था भाई, तेरे साथ अब कोई भी नहीं रहेगा भाई, बहुत हो गया अब, बहुत हो गया, कुछ भी नहीं रहेगा भाई अब, अब जब रहेगा तो मैं रहूंगा भाई। अब तेरे को पिटना ही है ना, पिट अब भाई। क्या भाई, किस लिए मना कर रहे थे इतनी देर से? क्या मना कर रहे थे, क्या मना कर रहे, क्या 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 मना करेगा तू भाई? इतने अच्छे से समझा रहे थे ठीक है तेरे को, अब तेरे को समझना नहीं है, इतना इतनी नादानी दिखा रहे ना तू, तू फंसेगा देखना बहुत बुरा वाला। क्या फंसेगा, क्या फंसेगा? अरे कुछ नहीं फंसूंगा ना, इतनी देर से तुम्हें भी तो समझा रहे, तुम भी तो नहीं मार रहे हो, ऊपर से लड़ रहे भाई, तू नहीं समझ रहा है अभी भाई, थग बॉय मैक्स की पावर और तू उससे लड़ने चलेगा? भाई डरते क्यों भाई उनसे यार, नहीं डरने की बात भाई यार। क्या पावर तुम्हें, ऐसी पावर तुमने देखी नहीं होगी यार भाई, बहुत हो गया भाई, बहुत ज्यादा ही हो गया। तेरा ही दिया हुआ आर्मर बस, तू अमीर है भाई, तेरे पास और कुछ भी नहीं है, तू समझ भाई। ऊपर आ जा रहा तू, तेरे को तो मैं बताता हूं क्या लगा के रखे, तेरा ही आर्मर है वो। अरे हो गया, बोल रहा था तेरे पास कोई पावर्स नहीं है, लेकिन तेरे को समझना ही नहीं है। अरे यार गुस्सा मत खाना यार, मैं समझ गया, तो मेरे को यार अच्छा ही कर रहे थे, बट मैं ज्यादा ही कुछ अपनी तरफ से कुछ ज्यादा ही ओवर पावर बनने की कर रहा था। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था इतनी देर से? अरे यार अब तुम गुस्सा मत हो यार, अब मैं तुम्हारे साथ दूंगा, पर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं। क्या? तुम, मैंने एक आइडिया सोचा है। क्या आइडिया? तुम डीआर की टीम ज्वाइन कर लो। क्या फालतू, क्या फालतू चीजें बोल रहा है भाई, मतलब अरे अरे सुन नहीं रहे? अरे यार तुम डीआर के साथ ना नकली दोस्ती करो, ताकि विश्वास हो जाए कि तुम उसकी टीम में हो, समझ रहे हो? और ऐसी हम समझ रहे हो ना कुणाल? अरे यार बट मैं उसको नकली दोस्त बना के कर क्या लूंगा? अरे तुम समझ नहीं आ रहा, अभी थोड़े टाइम के अंदर ही ना कोर्ट हियरिंग होने वाली है, तो मतलब डीआर के पर तुम्हें, डीआर के ना तुम्हें अपना लॉयर बना लेगा यार। एक सेकंड, कोर्ट हियरिंग होने वाली है? हाँ तुम्हें कैसे पता?
मेरे को पता है यार कुमार, तुम्हें नहीं पता मेरे पे इतने बंदे काम करते हैं यार मेरे साथ, ये सब ना मैं बंदों से बनवाता हूँ, सबको लगता है कि ये मैं खुद बनाता हूँ। अभी तुम ना थकबा मैक्स के कैसल के अंदर जाओ और वहां से ना इलीगल वेपन ले जाओ, क्योंकि तुम्हें तो कैसल पता ही है ना पूरा, तुमने देखा भी हुआ है। एक सेकंड, मैं इलीगल वेपन तेरे पास नहीं है क्या जो मेरे को यार, लेकिन मैं उधर कैसे जा सकता हूँ, थक बॉय मैक्स है यार भाई, वो तो मार देगा मेरे भाई को। पता क्यों? देखो थक बॉय मैक्स तुम्हारा आई गेस दोस्त ही है, दोस्त टाइप है, मेरा दुश्मन आए क्योंकि मेरे से लड़के गया वो। हाँ। ठीक है, मेरा दुश्मन है थक बॉय, अगर मैं वहां जाऊंगा मैं पकड़ा जाऊंगा क्योंकि मैं क्रैप्स हो सकते हैं। तुमने तो एक्सप्लोर भी किया हुआ यार, तुमने तो एक्सप्लोर किया हुआ है ना पूरा, तो तुम जा सकते हो, तुम कुछ कह रहे क्या नहीं, रॉयल बैनर बाहर से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो यार मेरे को फिर वो दे दो ट्राइडेंट, मैं ट्राइडेंट से जाऊंगा ना। चलो मैं तुम्हें ट्राइडेंट दे देता हूँ। ओके गाइस, यार अभी मैं पहुंच चुका हूँ फाइनली भाई थक भाई के कासिल में, एंड यार बस अगर उन लोगों ने अगर मेरे को देख लिया ना तो यार मैं सही में बहुत गंदा वाला फंसने वाला हूँ। ओके यार आहिस्ता आहिस्ते चलते हैं। ओके यहाँ पे वो एक सेकेंड, वहाँ पे थक भाई बैठे हैं, एक सेकेंड, नहीं थक भाई नहीं थक भाई नहीं है, अरे ये RTX रेडिएटर, ये ओसीरिस यहाँ पे क्या कर रहा है भाई, ये तो DRK के साथ का था ना, तो ये थक बॉय के कासिल में क्या कर रहा है, एक सेकंड ही कर क्या रहा है भाई, अरे भाई एक सेकंड, इसके हाथ में क्या है, ओ नहीं 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 नहीं, इसको ऐसे देखना पड़ेगा भाई, ये ओसीरिस क्या क्या यूज कर रहा है भाई, एक तो यार ये थक भाई, ओ भाई ये डिस्ट्रॉय कर रहा है सब कुछ, नहीं 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 सिर्फ कारपेट डिस्ट्रॉय हो रही है, लेकिन भाई कैसा वेपन आ गया यार ऐसे, ओ भाई भाई सिंहासन तोड़ दिया और अपने आप रिपेयर भी हो रहा है भाई साहब, नहीं 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 भाई देखना ले यार मेरे को भाई साहब इसी के बाद, ओके देखा तो नहीं ना, ओ भाई यार ये सब कैसे, नहीं भाई वो एक सेकंड ये कैसी आवाज है भाई, गायब हो गया, एक सेकंड गायब हो गया क्या भाई साहब, ये सब कैसे और यहाँ तो ये घोड़ा है भाई, इसको तो हाथ भी नहीं लगा सकते भाई। ओके मेरे को ये, ओके मेरे को वंश ने बोला था ना यहाँ से मेरे को इलीगल आइटम चुराने, ओके यार ये चेस्टें यहाँ पर रखी तो हुई हैं, ओके यहाँ पे तो नॉर्मल आइटम्स रखे हैं भाई, इलीगल आइटम किधर पर है, ओके ओके ओ भाई ये नीचे एक और चेस्ट है ना, ओके ओके यहाँ पे भाई साहब इलीगल आइटम भाई, ये भाई ये सबसे तगड़ा आर्मर है भाई SMP का, ओके ओके भाई लेकिन लोगों ने, एक सेकंड शार्पनेस 30, लेकिन ये आयरन स्वॉर्ड है, लेकिन ओ भाई ये क्या खतरनाक चीज है भाई साहब, मैं वंश को दिखाऊंगा भाई, पहले ये आर्मर उतारते अपना नॉर्मल आर्मर पहन लेते हैं। ओके आयरन स्वॉर्ड का मैं इधर पे रखूंगा, हाथ में नहीं पकड़नी है भाई। अरे वंश सुन भाई साहब ये देख मेरे को क्या मिला कासिल से, क्या मिला ये देखना, स्वॉर्ड आयरन की है, ये देख एक सेकंड, ये देखा डैमेज इसका, दोबारा मारो, ये देख अबे कुनाल रुक जा, रुक जा रुक जा है ना खतरनाक, ये कहां से, ये मेरे को कासिल से मिली, और कुछ दिखा तुम्हें, और ये देख मेरे पास आर्मर भाई इतना खतरनाक है भाई, मैं मरूंगा ही नहीं इस आर्मर से तो कभी। अच्छा तेरे को पता है कि यार ओसीरिस किसके अंडर काम करता है, RDX रेडिएटर, DRK, हाँ DRK के अंदर का अंडर काम करता है ना, तो यार वो थक बॉय के कासिल में क्या कर रहा था, हाँ वो थक बॉय के कासिल में था, और साथ ही साथ इतनी खतरनाक चीज है भाई, मतलब यार माइनक्राफ्ट में क्या तुमने अपनी रियल लाइफ में कभी इतने खतरनाक यार वेपन्स नहीं देखे होंगे भाई, इतनी खतरनाक तरीके से वो यूज कर रहा था ना यार, मेरे पास क्लिप भी है वो मैं तुमको दिखाऊंगा ठीक है। कहीं ऐसे तो नहीं है कि थक बॉय उसको पगार देता हूँ और उसी चीज उसके लिए काम करता हूँ भाई, वो तो पता नहीं, देखो मैं तुमको क्लिप भेज रहा हूँ एक बार वो देखो, अरे हेलो, अरे देख लिया मैंने भाई, ये क्या था स्वॉर्ड और ये उसके हाथ में वही तो वॉन्ट भाई, वही भाई बड़ी खतरनाक चीज है यार वो, मैं भाई यार सही में मैं शॉक हो गया यार देखते ही, लेकिन यार एक और वो तो गायब हो गया था, गायब देखो, हाँ वही वही वो गायब भी हो गया यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा भाई साहब, एक तो यार ये खतरनाक चीज के हाथ में है वही, अच्छा आर्मर तो दे दो, स्वॉर्ड स्वॉर्ड दिखाना जरा कुणाल, स्वॉर्ड ये रही से मार, एक सेकंड रुक जा एक सेकंड, भाई नॉक बे, अरे भाई शार्पनेस 30, अच्छा एक बार मेरे को इससे मारना,
अच्छा मेरे को तो डैमेज, ओ भाई मेरे मेरा आर्मर में भाई देखना क्या लगा है, प्रोटेक्शन एक्स फिर भी इतना खतरनाक डैमेज, अनब्रेकिंग देख लो कितना ज्यादा है भाई, वही भाई इसको संभाल के रखना रोनाल्ड, ठीक है ना भाई। अच्छा वो मेरे को उनकी चेस्ट में मिल गया भाई वो आइटम, लेकिन यार वो ओसिरिस वाला मेरे को सही में नहीं समझ आ रहा यार क्या चल रहा है, मेरे को भी नहीं। ओके गाइस सर अभी मैं यार थक बॉय के कासल से आ तो चुका हूँ, लेकिन यार आप लोग देख सकते हो यार मेरे को उधर पे भाई इतनी खतरनाक चीजें मिली, लेकिन साथ ही साथ मेरे को वहाँ पे आरडीएक्स रेडिएटर यानी कि अपने ओसिरिस भाई दिखे जिनके पास यार कितनी खतरनाक चीजें थी आपने देखा ही होगा यार, मैं तो यार भाई मैं सही में बहुत ज्यादा डर गया था। ओके तो गाइस आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, लिंक है डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट बॉक्स में भी, एंड डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर लेना वहाँ पे मैं आपसे बातें करने के लिए आता रहता हूँ। तो गाइस आज वाली वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।